आज की क्लास में हम बोन लाइन स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। वेल, आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये बोन लाइन स्ट्रक्चर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्लास 10th, बोन लाइन स्ट्रक्चर जो है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। प्राइमरली ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हम नेमिंग डिस्कस कर रहे हैं तो हम साथ में इसको भी कवर अप कर लेते हैं। होता क्या है बोन लाइन स्ट्रक्चर? जब कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, खास करके हाइड्रोकार्बन की बात की जाती है, तो हमारे सामने एक मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से। सपोज करो, अगर मैं इथेन की बात करूं, तो इथेन के केस में जो मॉलिकुलर फॉर्मूला निकल के आएगा वो कुछ ऐसे निकल के आएगा, C2H6। इस मॉलिकुलर फॉर्मूला को हमें स्ट्रक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, CH3CH3। फिर अगर हमें कोई कहे कि इस स्ट्रक्चर को एक्सपैंड कर दो, तो हम इसका एक्सपैंडेड वर्जन बनाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लगाया और फिर साथ में सारे हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दिया। तो ये था हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये था हमारे पास कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर, और ये था हमारे पास ओपन स्ट्रक्चर। लेकिन एक और अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। नेमिंग सबकी सेम होनी है, नेमिंग आप इसकी 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 सबकी सेम है। अगर ये इथेन है तो ये भी इथेन ही होगा, दो कार्बन कोई ब्रांच नहीं तो इथेन हो गया, दो कार्बन कोई ब्रांच नहीं तो इथेन हो गया। आई एम अगेन रिपीटिंग, नेमिंग विल नॉट गोइंग टू चेंज, बट द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू ड्रॉ विल डिफरेंट टू ईच अदर। उन्हीं में से एक है हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन, जैसा कि नाम से आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे और हम साथ में उस लाइन को बॉन्ड बोल के चलेंगे, और वही हो गया स्ट्रक्चर। कैसे, जरा समझो। अगर बात की जाए इथेन की, तो इथेन के केस में अगर मुझे बॉन्ड लाइन बनाना हो तो कुछ ऐसे बनेगा, That's it. ये आपका इथेन हो गया। कैसे हो गया? जो यहाँ पे एंड में आपको एंड्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, जो यहाँ पे एंड्स दिख रहे हैं वो एंड्स पे होते हैं कार्बन प्रेजेंट। तो यहाँ पे होगा एक कार्बन, यहाँ पे होगा दूसरा कार्बन, और फिर इस कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए जितने हाइड्रोजन लगाने लगा लो, हम हाइड्रोजन की बॉन्डिंग नहीं दिखाते। तो प्राइमरली अगर आप देखो, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में तो एक ही बॉन्ड था, तो ख़त्म कहानी। अगर आपसे कोई एक लाइन खींच दे और बोले कि इसका नाम बताओ, तो आप बोलोगे इथेन है, आप इसको बोलोगे इथेन है। बॉन्ड लाइन मीथेन से शुरू नहीं होता, ये आपके लिए इथेन है, ठीक है। अब अगर मैं आपको समझाऊं अच्छे से बॉन्ड लाइन के बारे में, कुछ और डिटेल्स दूं, तो ज़रा आप इसको समझिए। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक, दो तीन चार, तो टोटल यहाँ पे चार कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। अगर मैं आपसे बोलूं ये, तो अब जो ये चीज दिख रहा है ये सब्स्टिट्यूट होता है, ब्रांच होता है। तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा, और यहाँ पे पांचवा। तो टोटल और इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन है वो है पांच, ठीक है। तो अगर इसमें पांच कार्बन है तो इसका नाम होगा पेंटेन, क्योंकि हर जगह है सिंगल बॉन्ड। अगर कोई ऐसे कर दे तो ये हो गया डबल बॉन्ड, अगर ऐसे कर दे तो ये हो गया डबल बॉन्ड, पर फिलहाल हम डबल बॉन्ड के नहीं पढ़ रहे हैं, हम सारे नेमिंग सिंगल बॉन्ड के कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास पेंटेन, और यहाँ पे जो ये चीज़ दिख रहा है ये है ब्रांच, इसको हम कहते हैं ब्रांच, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रांच, इसको मैं अलग से सर्कल कर देता हूँ, ठीक है, या हाईलाइट कर देता हूँ ये। अभी जो ब्रांच है सब्स्टिट्यूट में काउंट होता है, सब्स्टिट्यूट होता है अल्काइल ग्रुप से। तो अगर अल्काइल ग्रुप की बात की जाए तो इसकी नंबरिंग क्या होगी, 1 2, ये सेकेंड पोजिशन पर प्रेजेंट है, तो आप इसे बोलोगे 2, और ये है मिथाइल, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ही कार्बन प्रेजेंट है, तो ये हो गया 2-methyl pentane। अगर कोई बोले कि यार इस स्ट्रक्चर को ना आप एक्सपैंड करके नॉर्मल स्ट्रक्चर में लिख के दिखाओ, तो आराम से दिखा देना, CH3, यहाँ वाला कार्बन पूरा हो गया, यहाँ वाले के लिए CH, और CH के साथ आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा CH3। ये जो CH3 आपने यूज़ किया, ये बॉन्ड ब्रांच वाला CH3 है, और यहाँ पे डॉट इस जगह पे, अगर आपको डिटेल में दिखाओ, इस जगह पे एक कार्बन होगा और एक कार्बन इस जगह पे होगा, तो इस जगह का जो कार्बन है उसको मैं लिख रहा हूँ ये वाला CH से, और इस जगह का जो कार्बन है यहाँ का उसको मैं लिख रहा था CH3 से, तो ये हो गया CH3। आगे प्रोसीड करें, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ वाला जो कार्बन होगा उसको हम लिखेंगे CH2, फिर ऊपर जाओ CH2, यानी कि यहाँ पे लिख दिया CH2, फिर यहाँ लिख दिया CH2, अब यहाँ पे लिखेंगे CH3। अच्छा, ये CH2 3 कैसे लिखा, मतलब मुझे कैसे पता चला कि कहाँ पे 2 आएगा कहाँ पे 3, ये डिपेंड करता है कि कार्बन सेटिस्फाई कितने हाइड्रोजन से हो रहा है। तो यार ये हमारे पास कुछ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हैं। अब आपके लिए कुछ सवाल है जो आप करके लाओगे, इसकी नेमिंग बतानी है, नंबर 1
नंबर टू, इसकी नेमिंग बतानी है। तो ये दो स्ट्रक्चर है जिनकी नेमिंग आपको बताना है। यही था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में हमारा डिस्कशन।